नमस्कार दोस्तों, मैं उषा राजनंदी फूड चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं हम बनाने जा रहे हैं मिठाई। मिठाई खाना तो सबको बहुत ही पसंद आता है। ये मिठाई हम घर के ही कुछ बेसिक सामानों से तैयार करेंगे। जब ये मिठाई बनकर तैयार होगी तो इसकी 3 लेयर आएगी, ऑरेंज, ग्रीन और वाइट। ये मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी होती है दोस्तों। आइए, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, चलिए देखते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैंने 3 बड़े साइज का गाजर लिया है, जिसे धोकर अच्छे से छिलका छुड़ा कर रख लिया है। ये मैंने देसी घी लिया हुआ है 50 ग्राम के करीब। ये एक लौकी है, ये हम मैंने लिया है सूजी 50 ग्राम के करीब। ये 150 ग्राम के करीब चीनी है, 1 कप दूध, और यहाँ पर मैंने 2 कलर के फूड कलर लिए हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन। चलिए दोस्तों, आप मिठाई बनाने के लिए हम पहले गाजर को घिस कद्दूकस कर लेते हैं बारीक सारे। इसी तरह गाजर को हम कद्दूकस कर लेंगे। जब कद्दूकस गाजर हमारा हो जाएगा, तो इसके बाद हम लौकी को भी कद्दूकस करके उसे तैयार कर लेंगे। दोस्तों, अब ये घिस कर तैयार हो गया है। ये गाजर घिस लिया है मैंने कद्दूकस में, और ये लौकी भी घिस कर तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। दोस्तों, अब हमने गैस चलाकर कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इस कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालते हैं। 2 चम्मच के करीब घी डालते हैं। अब ये हमारा घी जब गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें ये गाजर डालेंगे। गाजर घी में डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे मिठाई बनाने के लिए। घी में गाजर डाल दिया है कढ़ाई में। अब इसे हम अच्छा गलने तक इसको पकाएंगे, ताकि हमारा गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे हल्का, 1 इंच के करीब, ताकि हमारे इस गाजर में थोड़ा कलरपन आ जाए। तो अब ये हमारा घी में गाजर फ्राई हो गया है, ये भुन गया है अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे 1 पिंच के करीब, ताकि इसका कलर थोड़ा शाइनिंग, कलर में थोड़ा शाइनिंग आए। दोस्तों, ये हमारा थोड़ा मैंने कलर इसमें फूड कलर डाला था, थोड़ा इसमें अब कलर आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप के करीब दूध, और इसमें हम चीनी भी ऐड कर देते हैं 5 बड़े चम्मच के करीब, ताकि हमारा गाजर थोड़ा मीठा हो जाए और मिठाई बनाने के लिए ये तैयार हो जाए। दोस्तों, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। अब इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि इसमें चीनी मेल्ट हो जाए। जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगी, तब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। दोस्तों, अब हमारा गाजर चीनी के साथ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इस ये हम अब इसे एक बॉल में निकालेंगे, और फिर अब लौकी भी इसी तरह भूनेंगे। इसमें घी डालते हैं 2 चम्मच के करीब, और इसमें अब हम घिसे हुए कद्दूकस की हुई लौकी डालेंगे, और इसे भी ठीक होते तक पकाएंगे। और इसमें भी हम फूड कलर 1 इंच के करीब ऐड करेंगे, ताकि इसका लौकी का कलर ग्रीन आए। और इसके बाद तब हम इसमें फिर जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा लौकी हमारा, तब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और दूध ऐड करेंगे, फिर इसे पकाएंगे ठीक होते तक। ये हमारी लौकी अब थोड़ी पक्के तैयार हो गई है। अब इसमें हम दूध ऐड कर देते हैं, जो मैंने हाफ दूध बचाया था गाजर में डालने के बाद। अब इसको भी हाफ हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये थोड़ा सा हम बचा देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। और फिर इसके बाद हम इसमें हाफ चम्मच से भी कम इसमें हम फूड कलर ग्रीन डाल देते हैं, ताकि लौकी हमारी ग्रीन ग्रीन दिखे। आज हम दोस्तों थोड़ा तिरंगे कलर की मिठाई बनाने के लिए इसमें थोड़ा फूड कलर डाले हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें अब चीनी भी ऐड कर देते हैं, करीब 5 चम्मच के करीब। आप जितना मीठा खाते हो, आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें अभी जितना चाहिए उतना मैंने इसमें डाल दिया है। और दोस्तों, अब ये इसे भी थोड़ा ठीक होते तक हम पकाएंगे, और इसके बाद तब हम सूजी को फ्राई करेंगे थोड़ा घी में।
तो ये लौकी हमारी पककर अब तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। इसके बाद हम अब इसमें सूजी ऐड करेंगे। सूजी को भी इसी तरह फ्राई करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे हम, जब हमारी सूजी भुनकर तैयार हो जाएगी। तो ये एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो ये हमारी सूजी भी अब भुनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं दूध। ये जो मैंने दूध बचा कर रखा था उसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम थोड़ा चीनी ऐड कर देते हैं और चीनी मेल्ट होते तक हम इसको पकाएंगे, जब तक ये हमारा सूजी ठीक ना हो जाए मिठाई बनाने के लिए। हमारी सूजी भी अब ठीक हो गई है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम मिठाई बनाना तैयारी करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हम पहले एक थाली में घी या ऑयल लगाएंगे। आपके पास जो है अवेलेबल आप उसे लगा सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों इसे प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए हमारी सूजी कितनी ठीक हो गई है। तो मैंने यहाँ एक थाली ले ली है अपनी मिठाई बनाने के लिए। अब उसमें हम एक चम्मच के करीब घी डालेंगे और उसे हाथों से पूरे थाली में फैला देंगे ताकि हमारा जो बर्फी बने तीन रंग का वो अच्छे से निकल आए बाहर की तरफ और हमें परेशानी भी ना हो थोड़ा। अब हम इसमें दोस्तों पहला लेयर लगाते हैं गाजर का, जो हमारा केसरिया रंग है। इसे अब हम इसमें अच्छे तरीके से फैलाएंगे प्रेस करते हुए। ये इसी तरह पूरी लेयर हम लगाएंगे थाली में। पूरी लेयर लगाने के बाद हम इसके बाद फिर वाइट का कॉम्बिनेशन डालेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से बराबर करते हुए फैला लेते हैं ताकि थाली में आ जाए। दोस्तों मैंने फाइनली पूरा डाल दिया है इसमें। अब इसे हम अच्छी तरह से प्रेस करके दबाएंगे, चारों तरफ से इसे एक जैसा बनाएंगे और इसे थोड़ा हम ऐसे प्रेस कर उसे एक लेयर में लाएंगे ताकि ये हमारा जब हम इसे बर्फी के आकार का काटें तो ये हमारी एक लेयर में निकल कर बाहर आए। दोस्तों अब इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है गाजर को। देखिए ये कितना ऑरेंज कलर का लग रहा है। अब इसमें हम दूसरी लेयर लगाएंगे, ये सूजी का, जो मैंने सूजी का बनाकर तैयार किया है। इसमें हम दूसरी लेयर सूजी की लगाएंगे फैलाते हुए ताकि ये हमारा देखने में एकदम तीन रंग का बने और देखने में भी बहुत सुंदर हो। इसे पूरी थाली में इसी तरह फैला देंगे हम। अभी इसे पूरा डाल लेते हैं। इसके बाद हम एक बराबर का लेयर बनाएंगे ताकि हमारा एक बराबर में दिखे। दोस्तों अब इसे हम एक बराबर का फैला लेते हैं। दोस्तों इसमें मैंने दूसरी लेयर चढ़ा दी है सूजी की। अब इसमें हम तीसरी लेयर लगाते हैं। ये हमारा जो लौकी है इसमें हम ये ग्रीन कलर है, इसे अब हम तीसरी लेयर इसमें लगाएंगे ताकि हमारा स्वीट जो बनकर तैयार हो वो देखने में बहुत ही सुंदर होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। दोस्तों आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारी तीसरी लेयर है जो हम स्वीट बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये लौकी है। दोस्तों अब इसमें तीसरी लेयर भी हमारी चढ़ गई है ये लौकी की। अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। ये थोड़ा गर्म है तो इसमें ही हम गार्निश कर देंगे। तो जब ठंडा हो जाएगा इसे हम आधा घंटा ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम आपको मिठाई बना के काट कर दिखाएँगे कि ये कैसी बनकर तैयार हुई है। अभी हम इसको गार्निश कर देते हैं। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट है और ये नारियल का बुरादा है। आप चाहें अपने मनपसंद की ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। दोस्तों देखिए ये कितना सुंदर बना है। और इसे हम अब नारियल के बुरादे और थोड़ा ड्राई फ्रूट से गार्निश कर रहे हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। और हमने तीन कलर से आज ये मिठाई बनाई है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और घर के ही सामान से बन जाती है। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं लगता।
आप देखिए दोस्तों, ये मैंने फाइनली गार्निश कर दिया है इसको। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसे हम, अभी ये गर्म है, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे हम काट कर दिखाएंगे आपको कि ये कैसा बनकर तैयार हुआ है। फाइनली दोस्तों, हमारा ये बर्फी मिठाई जमकर तैयार हो गया है। आप एक आधे घंटे से एक घंटे के बीच में इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। अब इसे हम कट कर दिखाते हैं। हम इस तरह इसको कट करेंगे, फिर इसे कट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए। आइए दोस्तों, दिखाते हैं इसे निकाल कर। देखिए दोस्तों, हमारा ये स्वीट बनकर कैसे तैयार हुआ है। आपको दिखाते हैं फाइनली ये तीन रंग में कैसे, इसका टेक्सचर कितना सुंदर आया है, एकदम जेली जैसा। देखिए ये हमारे तीन कलर में मिठाई बनकर तैयार हुई है। देखिए ये कितना तीन रंग में है, तीन कलर में, और तिरंगे का लुक है इसमें। आप हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस तरह बनाइएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, घर के ही सामानों से ये मिठाई हम तैयार कर लेते हैं, लौकी, सूजी और गाजर से। देखिए इसे तोड़कर मैं बताती हूँ आपको, कितना अच्छा बन, एकदम स्मूथ बना है, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा ये। अब इसे एक प्लेट में आपको हम फाइनली दोस्तों, देखिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं। कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। आप हमारी रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें लाइक शेयर कमेंट करिएगा।